और चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का असर दिख रहा है। रांची में मंगलवार को 262 नए मरीज मिले हैं। चार महीने बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1200 के पार हो गई है। इधर राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। वहीं संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए राजधानी रांची में धारा 144 की समय अवधि बढ़ाकर 30 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है और सरहुल, रामनवमी, ईस्ट सहित सभी धार्मिक जुलूस पर रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच में अभी भी लोग लगातार बेपरवाह दिख रहे हैं और लोगों से अपील को ठेंगा दिखाते भी नजर आ रहे हैं। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का असर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। और हम अभी मौजूद हैं अरगोड़ा रेलवे स्टेशन में, जहां तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर लोहरदगा से ट्रेन आई है, लेकिन लापरवाही का आलम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भीड़ काफी ज्यादा इस ट्रेन में होती है क्योंकि मजदूरों की ट्रेन कही जाती है और लोहरदगा सहित जितने भी आसपास के गांव हैं, तमाम गांवों से चलकर ये ट्रेन राजधानी रांची तक पहुंचती है। लेकिन साफ तौर पर ना ही किसी भी तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और बेपरवाही का आलम साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें यकीनन डराने वाली है, और लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बस हमारा मकसद है कि लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि कोरोना से डरना जरूरी है। अगर कोरोना से हम नहीं डरेंगे तो ये संक्रमण का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। इसलिए जी बिहार झारखंड भी आप तमाम लोगों से अपील करता है कि कहीं न कहीं जो कोरोना संक्रमण का दायरा है वो बढ़ रहा है, इसीलिए कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। रांची में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मरीजों को क्वारंटीन करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए खेलगांव के टावर 4 में 300 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनकर तैयार किया गया है। इस सेंटर में 8 कमरे बनाए गए हैं, जिसके एक रूम में 40 बेड लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहां पर एक कोविड-19 सेंटर की स्थापना भी की गई है। खेलगांव में बने सेंटर के 24 घंटे के अंदर डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी। खेलगांव का ये वही वार्ड कोविड वार्ड है जहां पर पिछले साल विदेशों से आए लोगों को संक्रमित होने के बाद रखा गया था। रांची जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हम अभी खेलगांव स्थित टावर 4 पर मौजूद हैं। दरअसल इस जगह को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। दरअसल जिस तरीके से लगातार संक्रमण का मामला बढ़ रहा है, उससे प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए खेलगांव के टावर 4 यानी इस जगह पर 320 बेड का क्वारंटीन सेंटर तैयार किया गया है। इस सेंटर में 8 बड़े रूम बनाए गए हैं और हर एक रूम में 40 बेड लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहां एक कोविड टेस्टिंग सेंटर की भी स्थापना की गई है। खेलगांव में बने इस क्वारंटीन सेंटर में 24 घंटे डॉक्टर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। तमाम जानकारी के साथ कामरान लाइव जुड़ चुके। कामरान, अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सरकार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, तो सरकार कितनी कुछ तैयार है, क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारियां कर रखी हैं? पलक, देखिए, तैयारियां अगर सरकार से संबंधित बातें करें तो तैयारियां पूरी हैं और पूरे जिले के साथ साथ पूरे राज्य को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और ये स्वास्थ्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि 31 मार्च तक जो अस्पताल हैं, तमाम अस्पतालों में या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर जो संक्रमित मरीज है उन्हें रखा जा सके, उसके लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाए। इसी के तहत राजधानी के खेलगांव में बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली और लगातार ये लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो खतरा है कोरोना का वो दोबारा वापस आ गया है, इसीलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके तहत गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें राजधानी रांची में देखने को मिल रही है वो यकीनन बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। लगातार ये अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें हैं जो चिंता का विषय है, क्योंकि लोग साफ तौर पर बेपरवाही का आलम है और लोग आराम से बगैर मास्क के इस्तेमाल किए, बगैर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। और जिस तरीके से अगर सरकार की कोशिशें हैं कि बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा
इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो आम जनों की होगी, इसलिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हमारा मकसद ये नहीं है कि लोग डरें, हमारा मकसद है कि लोग जागरूक हों और इन सब चीजों से परहेज करें ताकि जो संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है वो उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी पलक जी, बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रेन है वो दूसरे देशों से आने के वालों से फैल रहा है, तो जो दूसरे देशों से आने वाले उन लोगों के लिए क्या कुछ जांच के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जो भी पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं उनको साफ तौर पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनको जो डिटेल्स है वो रखा जाता है और फिर अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो अब जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। तो ये चुनौती है, यकीनन प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो काफी कुछ बेहतर स्थिति थी और लगातार प्रशासन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की कोशिश कर रहा था और उसमें सफलता भी पाई, प्रशासन ने पाई थी। लेकिन अब जो चुनौती है वो साफ तौर पर काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है और लोगों का अवेयर होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लोग लापरवाह होंगे तो इसका खतरा जो है वो और बढ़ जाएगा और इसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जी बिहार झारखंड भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि जो भी गाइडलाइंस सरकार जारी कर रही है उस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। जी, बिल्कुल कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गढ़वा के